हे गाइस, वेलकम टू द अंकित पटवाल ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली। दिल्ली में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह पर जा रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं 4:40। तो अभी बेसिकली जो आया हुआ हूँ मैं, तो अपने होटल पर आया हुआ हूँ। तो मुझे अभी थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद काम फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा एंड देन आपको बताऊँगा। एंड बने रहना मेरे साथ। तो अभी मैं बेसिकली इसलिए उठा हूँ, मुझे मॉर्निंग में कुछ मोमोज बनाने होते हैं। एंड ये वेजिटेबल है उसका, और इंटीरियर जो है हमारा रेस्टोरेंट का और ऐसा दिखता है बाहर से अगर ऐसा देखा जाए। पहले मतलब ऐसा नहीं था ये, ठीक है, तो पहले अलग था। अभी मैं इसका एक फ़ोटो भी आपको शेयर कर दूंगा इसको, कि मतलब पहला फ़ोटोज में मतलब हमारा किचन अलग था। अब मैंने इसको दोनों को एक चीज़ एक में कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ, मुझे ये अभी इसका मसाला बनाना है, देन उसके बाद मोमोज बनाएंगे। तो देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, बने रहना मेरे साथ और फिर आपको दिखाऊंगा नज़ारा। अभी फ़िलहाल जो है अब क्या करना है, यहाँ पे साफ़ सफाई करनी है। तो साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं मोमोज की कटिंग करूँगा। एंड देन अरे मोस्टली यार मैं ज़्यादा सो भी नहीं पाता हूँ, और मेरी नींद जो होती है लगभग 4 से 5 घंटे, और कभी कभी 6 घंटे हो जाता है जब मतलब बहुत ज़्यादा कम काम होता है तब। नहीं तो मैं बहुत रेयर सॉफ्टवेयर चांसेस में ज़्यादा सो पाता हूँ, 5 से 6 घंटे बस। और बने रहना, वैसे भी मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही एल लगे हुए हैं, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हे गाइस, फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ और अब मैं निकलने जा रहा हूँ यहाँ से। तो अब मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचूँगा, जैसे जैसे मतलब रास्ते में रहूँगा, वहाँ के नज़ारे आपके दिखाऊँगा। अभी मैं पहले सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन में जाऊँगा, देन उसके बाद मुझे वैसे द्वारका जाना है। एंड देन जो सीक्रेट जगह है वो मैं आपको वहीं पर रिवील करूँगा, एंड बने रहेगा। और वैसे ये चांद आज सुबह ही निकल गया है, ये मेरी इज्जत बचाएगी, तो बने रहना मेरे साथ। फिलहाल यहाँ पे मेट्रो बंद है, 8 बजे से स्टार्ट होगा, पता नहीं क्यों, रीज़न तो कुछ बताया नहीं गया। अभी मैंने कंफर्म किया है गार्ड से, बट अभी गेट खुलने का इंतज़ार है। लोग यहाँ पे बहुत सारे वेट कर रहे हैं, जैसे ही खुलेगा मैं आपको बता दूँगा। लगभग 6 किलोमीटर दूर हूँगा ऑफिस, तो लेट्स सी। भैया लोग तो निकल चुके हैं, वो आगे आगे हैं, वीडियो कॉल किया था उन्होंने अभी मुझे, तो बने रहना मेरे साथ। मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हो ये एंट्रेंस है, मतलब
1 2 3 4 5 फ्लोर का है ये। वैसे रेलियां तो निकल चुकी हैं यार गाइस, मिला तो मतलब ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब अभी तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं और तो बेसिकली लोग तो है नहीं अभी। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सम्मानित मंच उपस्थित दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और दिल्ली के मतदाता, आप सबको प्रणाम। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता अब तक हमने कैसे पूरा किया है। संकल्प हमारा फिर एक बार और यहाँ से संकल्पित होकर सब लोग जाएंगे कि 2047 तक भारत को विकसित
बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भाई साहब।
ये होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। VVVIP वाला था, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। इसे रहना बड़ा ज्यादा दूर था, लेकिन देखा बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दूर थी, देख सकता सेम टू सेम ही लगते हैं, लेकिन अच्छा लगा बहुत ज्यादा। मतलब जब उनका आने का आवागम हुआ तो पब्लिक भर गई उस चीज जो दिया था। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और कमेंट के साथ साथ वोट भी, वोट फॉर मोदी, वोट तो जरूर करना। वो मेरे चीजें की बहन है कमल जी सरावत, तो उनको जरूर करना वोट, और द्वारिका से वो भी वोट जरूर करना, और कमल के निशान से जरूर करवाना। थैंक यू।